दोस्तों, आपने कलर्स टीवी का बेहद ही रोमांचक शो लागी तुझसे लगन तो जरूर देखा होगा, जिसने अपनी दमदार कहानी से दर्शकों का भरपूर मनोरंजन किया था। इसलिए तो ये सीरियल काफी लंबे समय तक टीवी पर बना रहा। पर इसमें कोई दो राय नहीं कि सीरियल को काफी लंबे समय तक टिकाने में सीरियल के स्टार कास्ट का बहुत बड़ा योगदान था, जिन्होंने अच्छे प्रदर्शन से सीरियल में चार चांद लगा दिए। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि सीरियल में चार चांद लगाने वाले ये कलाकार इन बीते 8 सालों में काफी बदल गए हैं, जिन्हें देखने के बाद शायद ही आप इन्हें पहली नजर में पहचान पाए। इसलिए तो आज के हमारे इस वीडियो में हम आपको इसके बदले हुए अवतार से रूबरू करवाएंगे। तो चलिए, देर किस बात की है, वीडियो शुरू करते हैं। नंबर 1, शब्बीर अहलूवालिया। सीरियल में दत्ता श्रीराम पाटिल का किरदार निभाते हुए अभिनेता शब्बीर अहलूवालिया नजर आए थे, जिन्होंने कुछ समय के बाद ही सीरियल को क्विट कर दिया था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुछ ही समय में दर्शकों के दिलों पर छाप छोड़ने वाले शब्बीर अहलूवालिया इन बीते 8 सालों में काफी बदल गए हैं। जहां आप सभी ने इन्हें सीरियल में काफी सिंपल देखा था, तो वहीं इन बदलते समय में इन्होंने अपनी पर्सनालिटी को काफी बदल लिया है, जिसके चलते ये आज काफी हैंडसम स्टाइलिश नजर आते हैं। वर्तमान में भी इंडस्ट्री में सक्रिय हैं और कुमकुम भाग्य सीरियल में नजर आ रहे हैं। नंबर 2, आशिका गुराड़िया। सीरियल में दत्ता की बहन कलावती का किरदार अभिनेत्री आशिका गुराड़िया ने निभाया, जिन्होंने अपने नकारात्मक किरदार से दर्शकों का मन मोह लिया था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सीरियल में कलावती का नेगेटिव किरदार निभाकर सभी का मन मोहने वाली अभिनेत्री आशिका गुराड़िया भी इन बीते 8 सालों में बहुत बदल गई हैं। आज इन बीते समय में ये काफी मॉडर्न भी हो गई हैं। जहां शो में ये सिंपल साड़ी में दिखी थी, वहीं अब ये वेस्टर्न ड्रेस में नजर आती हैं, जैसा कि आप इनकी इन तस्वीरों में देख सकते हैं। वर्तमान में ये इंडस्ट्री से दूर है। इन्हें आखिरी बार डायन सीरियल में देखा गया था। बता दें कि बीते सालों में इन्होंने अपने लॉन्ग टाइम बॉयफ्रेंड एंड बिजनेसमैन ब्रेंड गोबल के साथ अपना घर बसा लिया है। नंबर 3, रिधि डोगरा। सीरियल में दत्ताराम श्री पाटिल की प्रेमिका सुप्रिया का किरदार रिधि डोगरा ने निभाया था, जिन्होंने अपने नकारात्मक किरदार से जमकर वाहवाही बटोरी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सीरियल में अपने नकारात्मक किरदार से वाहवाही बटोरने वाली रिधि डोगरा इन बीते 8 सालों में बहुत बदल गई हैं। आज ये खूबसूरत होने के साथ साथ बहुत स्टाइलिश और बोल्ड नजर आती हैं, जैसा कि आप इनकी इन तस्वीरों में आसानी से देख सकते हैं। बता दें कि इन्होंने इन बीते सालों में बॉलीवुड एंड टीवी एक्टर राकेश बापट के साथ अपना घर बसाया था। कुछ समय पहले ही इनका तलाक हो गया। नंबर 4, मिशाल रहेजा। सीरियल में शब्बीर अहलूवालिया के बाद दत्ता श्रीराम पाटिल का मुख्य किरदार अभिनेता मिशाल रहेजा ने निभाया, जिन्होंने अपने दमदार अभिनय से दर्शकों का दिल जीत लिया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि शो में दत्ता का किरदार निभाकर फेमस हुए मिशाल रहेजा इन बीते 8 सालों में बहुत ज्यादा हैंडसम एंड स्टाइलिश हो गए हैं और आए दिन अपनी अपनी स्टाइलिश फोटो सोशल मीडिया पर शेयर करते हैं, जैसा कि आप भी इनकी इन तस्वीरों में देख सकते हैं। बता दें कि वर्तमान में भी इन्होंने अपने करियर को जारी रखा है। ये कुमकुम भाग्य सीरियल के अलावा बॉस बाप ऑफ स्पेशल वेब सीरीज में नजर आ रहे हैं। नंबर 5, माही विज। सीरियल में दत्ता श्रीराम पाटिल की पत्नी नकुशा का किरदार अभिनेत्री माही विज ने निभाया था, जो कि बल्ला की खूबसूरत होती हैं, पर समाज से बचने के लिए वो अपने चेहरे को बदसूरत बना लेती हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सीरियल में बदसूरत नजर आने वाली अभिनेत्री माही विज रियल लाइफ में बेहद खूबसूरत होने के साथ साथ स्टाइलिश भी है। बता दें कि इन बीते 8 सालों में इन्होंने अपना घर टीवी एंकर एंड एक्टर जय भानुशाली के साथ बसा लिया है और आज इनकी एक प्यारी सी बेटी है, जिनका नाम है तारा जय भानुशाली। वर्तमान में भी इंडस्ट्री में सक्रिय हैं और लाल इश्क सीरियल में नजर आ रही हैं। तो दोस्तों, आपको सीरियल में सबसे बेस्ट अभिनय किस कलाकार का लगा था, आप हमें उनका नाम कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही टीवी जगत से जुड़ी ऐसी मसालेदार खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।